2019 में कोरोना, 2020 में अफ्रीकन स्वाइन फीवर और 2022 के अंदर लंपी स्किन डिजीज, ये तीन ऐसी विषाणु जनित बीमारियां हैं जिन्होंने पशुओं के साथ साथ मनुष्यों का भी बुरा हाल कर रखा है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा और आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज के बारे में। लेकिन लंपी स्किन डिजीज के साथ साथ मैंने दो और बीमारियों का नाम लिखा, एक कोरोना और दूसरी वो जो असम के अंदर 2020 में स्वाइन यानी सुअरों के अंदर बहुत ज्यादा फैली, अभी भी वहां पे वायरस पाया जाता है और सुअर को ये बीमारी हो रही है जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। लेकिन कोरोना की बात करेंगे जो पशुओं से मनुष्यों के अंदर आ गया, वो जूनोटिक डिजीज था। जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है, वो बीमारियां जो पशुओं से मनुष्य के अंदर फैल जाए। लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फीवर और लंपी स्किन डिजीज की बात करेंगे तो अभी तक इनको जूनोटिक नहीं कहा गया है, मतलब ये पशुओं से मनुष्यों के अंदर नहीं फैलते हैं। तो बीमारी होती है जूनोटिक जो पशुओं से मनुष्यों के अंदर फैलती है और उसे जूनोसिस कहा जाता है। जूनोसिस इज एन इंफेक्शियस डिजीज, इंफेक्शन का मतलब फैलने वाली, दैट हैज जंप्ड फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन। नॉन ह्यूमन से कहां पे चली गई है, वो ह्यूमन के अंदर, मतलब पशुओं से मनुष्य के अंदर आ जाए। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सी बीमारियां पशुओं से मनुष्य के अंदर फैलती हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि लंपी स्किन डिजीज जो है ये तो गाय से मनुष्यों के अंदर अभी तक तो नहीं आ रही है। आईसीआर ने भी ऐसा ही कहा है कि बीमारी जो है ये मनुष्यों के अंदर नहीं फैलती है, लेकिन ये बीमारी मनुष्यों के अंदर फैलने वाले मंकी पॉक्स के जैसी ही है। क्या आपने मंकी पॉक्स का नाम सुना है? अगर आप मेरी वीडियो को आज ही देख रहे हैं, एक टाइम के बाद नहीं देख रहे, तो आप जानते होंगे लगभग एक महीना पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को भी वर्ल्ड लेवल पे एक सीरियस इशू डिक्लेयर कर दिया या फिर घोषित कर दिया है। जूनोसिस की बात करेंगे, जूनोटिक डिजीज की बात करेंगे तो सामने आपको जो बीमारियां दिख रही हैं ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये जूनोटिक हैं। COVID-19 यानी कोरोना जो है ये पशुओं से मनुष्य के अंदर आ गया। एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू जिसे कह दो, आप अक्सर देखते होंगे बर्ड फ्लू आता है, पोल्ट्री मीट लोग खाना बंद कर देते हैं, अंडे खाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो ये बर्ड फ्लू है ये किससे फैल रहा है, ये मुर्गियों से फैलता है। तो मुर्गी का मांस या मुर्गी का अंडा खाने पर हो सकता है, मतलब पशुओं से मनुष्यों के अंदर जा रहा है। HIV/AIDS का नाम आपने सुना होगा, पशुओं में था, पशुओं से मनुष्य के अंदर आ गया। इबोला बहुत सीरियस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अफ्रीकन कंट्रीज ने एक्सपीरियंस भी किया अच्छा खासा, है ना। तो इबोला भी जो था वो कहां से, वो पशुओं से मनुष्य के अंदर आ गया। रेबीज की बात करिए, पशुओं से मनुष्य में आ जाता है। मंकी पॉक्स जो इस टाइम पे चल रहा है, आपने देखा होगा मंकी पॉक्स में कुछ पॉक्स यानी कि लेजेंस छाले जैसे हो जाते हैं हाथों के ऊपर, पूरी स्किन के ऊपर, जो इस टाइम पे चल रहा है। आप डेली न्यूज में देखते होंगे कि यहां पे केस आ गया, वहां पे आ गया, वायरल डिजीज है, पशुओं से मनुष्य में आ गई है। एंथ्रेक्स का नाम आपने सुना होगा, पशुओं से मनुष्य में आ गया। ट्यूबरक्लोसिस और ब्रुसेलियोसिस, ये सारी वो बीमारियां हैं जो जूनोटिक डिजीज है, जो कहां से पशुओं से मनुष्य के अंदर आ गई है। बात कर लेते हैं एक सीरियस डिजीज की जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है गो नस्ल के पशुओं को। ये गो नस्ल के पशु ही प्रभावित क्यों हो रहे हैं, क्या भैंसों के अंदर भी फैलती है? हां, ये कैटल के साथ साथ बफेलोस के अंदर भी फैल सकती है, लेकिन बफेलो के अंदर कैटल के कंपैरेटिवली इम्यूनिटी ज्यादा होती है। तो इस टाइम पे जो प्रभाव है हम लोग गायों के अंदर, सांड के अंदर ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो भैंसें हैं वो उतनी प्रभावित नहीं है। गाय के अंदर ज्यादा दिख रहा है, सांड के अंदर कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गाय के बजाय सांड के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गाय वो प्रभावित है जो ज्यादा दूध दे रही है। क्योंकि गाय ज्यादा दूध देने वाली अपनी बॉडी की जो फैसिलिटीज कहिए, फैकल्टीज कह दीजिए, या फिर कहिए कि अपनी बॉडी का जो पोटेंशियल है वो मिल्क के अंदर दे देती है। मिल्क के अंदर जो पोटेंशियल चला जाता है तो उससे क्या हो जाता है, उसको वो बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो गाय जो ज्यादा दूध दे रही है, यूरोपियन नस्लें जो है उनके अंदर ये जो बीमारी है बहुत ज्यादा फैल रही है। होती किससे? वायरस से। हमने देखा ये वायरस से फैलने वाली बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं, बैक्टीरिया वाली, प्रोटोजोआ वाली उतनी जल्दी नहीं फैलती है, लेकिन वायरस जल्दी फैलता है। आज इस जिस टाइम पे आप ये वीडियो को देख रहे हैं ना, अगस्त मंथ के अंदर, जुलाई और अगस्त, जून से अगस्त तक का टाइम वो होता है जब टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और साथ साथ
ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता एनवायरनमेंट के अंदर वो भी ज्यादा होती है। तो ये वो समय होता है जब पशुओं के अंदर बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। आपके पशु के अंदर बीमारी ना फैले इसके लिए ध्यान रखें, पशु को झुंड के अंदर मत रखिए, पशुओं को चराने के लिए बाहर मत लेके जाइए क्योंकि बाहर वायरस हो सकता है, वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। पशु आपका बाहर गया, कंटेमिनेटेड हर्ड के अंदर गया, किसी और हर्ड के अंदर गया, बीमारी एकदम से फैल जाएगी। और उसके साथ साथ साफ सफाई का, सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखें, अपने हाथों को धोए, साथ साथ बर्तनों को साफ रखें। कौन से वायरस से बीमारी होती है, लंपी स्किन डिजीज की बात करेंगे तो कोज बाय लंपी स्किन डिजीज वायरस जो मेंबर है किसका, जो मेंबर है कैप्रीपोक्स वायरस, जो कौन सी फैमिली में आता है, पोक्स विरिडाई फैमिली के अंदर आता है। सेम फैमिली किसकी है, मंकी पॉक्स की भी है। आप जानते होंगे मंकी पॉक्स आपको मैंने अभी बताया सीरियस डिसऑर्डर है, मंकी पॉक्स को भी WHO ने एक सीरियस नोट दे दिया है। तो मंकी पॉक्स की ही फैमिली से ये वायरस है, पैरापॉक्स विरिडी जो फैमिली है। आउटब्रेक आर यूजुअली सीजनल, लेकिन मेनली कहां पे होता है, मेनली जो आउटब्रेक है वो रेन के अंदर, आपका मॉनसून सीजन के अंदर जो इस टाइम पे चल रहा है उस टाइम पे आउटब्रेक मतलब एकदम से फैलने लगता है बाय मॉस्क्यूटोज फ्लाइज एंड टिक्स। सिर्फ मॉस्क्यूटो नहीं, खून चूसने वाले वो सारे माइक्रोब्स जो पशु के ऊपर बैठेंगे, खून चूसेंगे, उससे वो फैल जाएगा। उसके अलावा अगर एक सांड को हो गया है और उस सांड के सीमन को, वीर्य को आपने प्रयोग में ले लिया, किसके प्रयोग में लिया, गर्भाधान के लिए, गर्भाधान मतलब जिसे अब इंसेमिनेशन मेटिंग कह सकते हैं, तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाया या फिर नेचुरली करवाया, तो ये डिजीज जो है ये सीमन के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगी। किसके अंदर, यस एनिमल के अंदर, फीमेल के अंदर। और जो फीमेल का नया काफ आएगा उसके ऊपर पहले से आप देखेंगे कि उसकी स्किन के ऊपर फोड़े, छाले या फिर आपको लेजेंस दिखेंगे, मतलब उससे भी वो बीमारी हो चुकी है। सकलिंग काफ मर जाएंगे, मतलब जो दूध पी रहा है काफ, अगर माता को बीमारी हो गई है तो दूध के अंदर भी वायरस होगा, उससे भी मर सकता है। उसके अलावा बीमारी होने पे आंखों से, नोज से नजल डिस्चार्ज होता है, उससे भी वायरस फैलता है। तो ये स्प्रेड हो रहा है रेन में, इट इज स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिकॉज कोरोना तो समझ आ रहा था कि मनुष्यों से फैल रहा है, मनुष्य यहां वहां घूम रहा है, लेकिन गाय तो एक देश से दूसरे देश में नहीं जा रही है ना, तो ये फैल रहा है बिकॉज ऑफ चेंजिंग विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी, तो हवा के साथ वायरस जो है ये दूसरे देशों के अंदर भी आता जा रहा है। मॉर्बिडिटी रेट की बात करेंगे, मतलब कितने पशु प्रभावित हो रहे हैं, कितने बीमार पड़ रहे हैं, तो मॉर्बिडिटी रेट जो है LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज के अंदर वो 10-20% है, जबकि मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे up to 5% क्लेम किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ डेटा ये भी कह रहा है कि अब ये 5% से 10% जाने लगे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा पशु इससे प्रभावित हो रहे हैं। Usually high milk producing thin skinned European cattle, thin skin पतली चमड़ी वाले है ना, European cattle जो है वो ज्यादा susceptible है to the disease compared to the indigenous breed। आप बोलेंगे सर अब तो indigenous भी affect हो रही है, हाँ ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है यूरोपियन के अंदर, लेकिन प्रभावी तो हमारी जो है कौन सी, इंडिजिनस, वो भी इस टाइम पे है। इनक्यूबेशन पीरियड मतलब कि बीमारी अपने लक्षण कितने टाइम में दिखाएगी, जैसे कोरोना 2 से 14 2 to 14 days के अंदर दिखाता था, उसी तरह से लंपी स्किन डिजीज का जो इनक्यूबेशन पीरियड है वेरीज बिटवीन 4 and 7 days, बट इट मे ऑल्सो लास्ट up to 5 weeks, 35 दिन तक भी जा सकता है, लेकिन 4 से 7 दिन का नॉर्मली क्या माना जा रहा है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। बात करते हैं सिम्टम एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज की। सिम्टम और कंट्रोल सारे लोग जानते होंगे, सबसे पहला सिम्टम तो जो सब लोगों ने देखा ही हुआ है, क्या देखा हुआ है, कुछ इस तरह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, लम्स आ जाते हैं, उसके ऊपर लेजेंस आ जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं जिसके अंदर पस भर चुका होता है। बीमारी से पशुओं की मृत्यु तो हो ही रही है, लेकिन पशु बहुत दर्द में होता है, पेन में होता है, क्योंकि उसके वो जो फोड़े आपको दिख रहे हैं ना उसके अंदर पस भर चुका है। सो नोड्यूल्स दैट डेवलप ऑन द स्किन ऑफ कैटल एज अ रिजल्ट ऑफ द डिजीज, सबसे पहले तो वो गांठें नोड्यूल्स आ जाती हैं, नसल डिस्चार्ज और उसके बाद आई डिस्चार्ज, नाक से आंखों से जो सलाइवा है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। सलाइवा अगेन एक मीडियम हो जाएगा इंफेक्शन का, सलाइवा फैलेगा, इंफेक्शन फैलेगा, पशु चरने के लिए गया झुंड में, वहां पे उसका सलाइवा गिर रहा है, अब दूसरा पशु आए खा रहा है वहीं पे चारा, सलाइवा अंदर गया, वायरस एंटर कर गया, बीमारी स्प्रेड होगी, पशुओं को झुंड में जाने से बचाइए।
उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय अ हाई फीवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड विद द लो मिल्क प्रोडक्शन। बुखार होगा तो मिल्क प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा। द कैटल देन डेवलप लम्स, लम्स आपने देखे अभी, ऑफ 10 टू 50 mm इन डायमीटर। द कैटल आल्सो डेवलप स्वॉलन लिम्स, टांगे भी फूल जाएंगी उसकी, और साथ साथ क्या देखेंगे उसके ऊपर क्या आ गए, लेजेंस आ गए, फोड़े, फुंसियां, कुछ भी कही हो जो आपने फोटो के अंदर देखा। देयर इज करंटली, सबसे बुरी बात है ये, है ना, बहुत सारे हमारे पशु मर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरस या फिर एंटीवायरल या फिर इसके लिए क्या दीजिए कि वैक्सीन नहीं है बीमारी के लिए। तो इस टाइम पे क्योर तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन है हमारे पास। आपके घर में गाय है तो उसको बचा के रखिए, अपने हाथ धोइए, उसका सराउंडिंग साफ रखिए, उसको पानी पिलाने, घास खिलाने, चराने के लिए बाहर मत लेके जाइए। जब तक एलएसडी कम नहीं हो रहा तब तक ना अपने पशु को अपनी फैमिली की तरह, जैसे हम अपना कोरोना में ध्यान रख रहे थे ना, उस तरह से ध्यान रखिए ताकि बीमारी हमारी गौ माता तक ना जा सके। मीजर टू टेकन ऑन फार्म इन केस ऑफ सस्पिशियन, अगर आपको खतरा लग रहा है तो फार्म पे क्या करें, अगर पॉसिबल है तो सस्पेक्टेड केस, जिसमें आपको लग रहा है कि बीमारी हो गई, अभी हुई नहीं है लेकिन आपको लग रहा है, उसको अलग कर दीजिए, है ना, रेस्ट ऑफ द हर्ड, ताकि बाकियों के अंदर ना जाए। अगर पॉसिबल है तो रेस्ट ऑफ द एनिमल जो है फ्रॉम द नेबरिंग हर्ड बाय फीडिंग देम ऑन द फार्म एंड अवॉइड कम्युनल ग्रेजिंग। कम्युनल ग्रेजिंग मतलब एक साथ चराने के लिए प्लीज मत लेके जाओ, बीमारी फैल सकती है। डिसइंफेक्ट योर हैंड, फुटवियर, आउटफिट यूजिंग एनी कॉमन डिसइंफेक्टेंट। अपने हाथों को, अपने फुटवियर्स को धो के अंदर जाइए एंड डिसइंफेक्ट करिए इक्विपमेंट को, मटेरियल को यूज्ड इन द अफेक्टेड होल्डिंग, जहां पे आप उसको यूज कर रहे हैं। हमने पढ़ा लंपी स्किन डिजीज के बारे में, इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आज के आज ही, तो आज शाम को 7 बजे आपको लंपी स्किन डिजीज पे टेलीग्राम पे क्विज मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप सब लोग फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आजकल हम टेलीग्राम पे हर दिन सुबह के 9 बजे और शाम को 6 बजे 20-20 क्वेश्चन शेयर करते हैं, और क्वेश्चन वो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो 40 क्वेश्चन आपको कोई कोर्स दे ना दे लेकिन हम फ्री में टेलीग्राम पे देते हैं। और आज तो उसके साथ साथ और क्वेश्चन भी आ जाएंगे, एक्स्ट्रा क्विज जो लाइव होगी शाम को 7 बजे। अगर आप वीडियो आज ही देख रहे हैं तो शाम को 7 बजे, और अगर आप वीडियो को 1-2-3 दिन बाद देख रहे होंगे तो चैनल के अंदर जाइए, बैक डेट में 14 अगस्त में जाके चेक करिए, 7 बजे के टाइम पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे LSD यानी कि लंपी स्किन डिसऑर्डर पे। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, कोई सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, या फिर अगली वीडियो किस पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा डेफिनेटली आपके सामने लेके फिर से आ जाएंगे। तो मिलता हूं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले अपनी गौ माता को बचा के रखिए, गौ वंश का बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए, बीमारी उनके लिए बहुत पेनफुल है, तो उनका ध्यान उस तरह से रखिए जिस तरह से आपने खुद का ध्यान रखा था कोरोना के अंदर। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।